Are you ready for face some interesting thing to learn? Learn. आप ready हो कुछ सीखने के लिए नया? Yes. सीखने के लिए ready हो? नहीं मैम, आज कुछ नहीं. Okay, चलो कोई नहीं. तो मैं आज आपको एक interesting बात बताने वाली हूँ. आप सभी happy हो जाओगे, jump करोगे सुन के. पता है? हमारी trip जाने वाली है. Are you excited? यही तो डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे. आप रेडी हो जाने के लिए? लेकिन हम कैसे जाएंगे? तो स्टूडेंट, तो उससे क्या फर्क जाते हो बस में जाते हो? ठीक है, मैं ओके. आप सभी जो बताओ यहाँ पे लिखने वाली थी ना, मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूंगी. मीन्स आप ट्रांस करो, मीन्स ऑफ ट्रांस. वो मतलब ये है ना, वो होता है ना बेस रिलेट करना. मैं चाहिए मैम करना है, वो अच्छा होता है. जो जो कहते हो अपने इंटरव्यू आगे करिए. तो ठीक है, मैं तो आईडिया आ गया अगर मिली है ना. अगर आपको देने लग जाओ मेमो. ओके स्टूडेंट, तो आप नानी श्री, आप बताओ, आप नानी के घर जाते हो ना? नानी हाउस जाते हो? कैसे जाते हो? बस से. नानी हाउस? नानी हाउस कहाँ पे है? केरला में. और तुम कैसे जाते हो? बस से. बस से जाते हो? केरला तो ट्रेन से. ट्रेन से जाते हो? बस से कैसे जाओगे? वो तो दूर है ना. हम प्लेन से. कैसे जाते हो नानी हाउस? ट्रेन. किसी जाते हो? ऑटो से जाते हैं मैम, ट्रेन से उतर के. ट्रेन से तो वापस जाते हो यानी कोई. और किसी जाते हो आगे? क्या है रिवर में हो आप? पानी से जाते हो? यस. तो पानी से कवर कैसे करते हो वहां पे आगे? बोट से. बोट से. वेरी गुड. सिया, आपकी नानी हाउस में हमें घुमा के लेके आओगे आप? ओके, अब की बार जब समझ में कैसे आएंगे ना, तो मैं आपके साथ, मैम आपके साथ चलेगी. ठीक है, अपनी मैम मम्मा को बोल देना कि मैम आपके साथ भी चलेगी. ओके, तो आप बताओ आप स्कूल किससे आते हो? बस से. बस. और आप शिमला कैसे जाते हो बताओ? आयुष, आप शिमला कैसे जाते हो? ट्रेन से भी जाते थी. ओके, गाड़ी से गई. ओके, आपने कार से गई. अब हमें पता चलेगा ट्रेन से, बस से, बोट से, इससे उससे. लेकिन हम क्या बोलेंगे इनको? ऐसे बोलोगे ट्रेन से, बस से, ऐसे? हमें उसे कुछ स्पेसिफिक नाम तो देना चाहिए ना. हमें पता तो चाहिए ये कैसे ट्रांसपोर्ट है. कुछ पानी में चल रहे हैं. बोट कहाँ पे चलती है? बोट में फ्लोट करती है ना. बोट में फ्लोट करती है. और ट्रेन कहाँ पे चलती है? ट्रैक पे चलती है. लेकिन किस पे चलती है? लैंड में चलती है. ठीक है ना, ये बोट में हो गया, ये लैंड में हो गया. और ये कहाँ पे? एरोप्लेन कहाँ पे नीचे चलती है? देखिए हवा में चलती है, लेकिन बाद में क्या होती है? ऊपर चली जाती है, फ्लाई करती है ना. तो ये एयर में चलती है. तो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो कुछ ऐसे होते हैं कि जो लैंड पे चलते हैं, कुछ वाटर में फ्लोट करते हैं, और कुछ एयर में फ्लाई करते हैं. तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम इनको अलग अलग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इनका, अलग अलग उसमें बॉक्सेस में रखेंगे इनको. ठीक है ना. तो आपकी, मैंने आज आपके कुछ यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं. वन
ट्रांसपोर्ट में, तो द ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा।